हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनिवाल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, पोंगल, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो कि फिल्मों का सुनामी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडस्ट्रीज से तो बहुत ज़्यादा ही सुनामी आ रही है। लेकिन इस वक्त दोस्तों ट्रेलर आ चुकी है वाल्टेर इवरैया का, जो कि तेलुगु ट्रेलर 2 दिन पहले रिलीज हुई थी दोस्तों, लेकिन आज फाइनली जाके इसका हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दी गई है दोस्तों बी फॉर यू के यूट्यूब चैनल पे। तो जाहिर सी बात है बी फॉर यू वाले ने इसका राइट्स खरीदा और इसका डबिंग किया दोस्तों। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे अशोक अंकल, बोले तो आपके 50 ईयर्स ओल्ड मैन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वाल्टेर इवरैया, जो कि ये पोंगल पर रिलीज होने जा रही है 13 जैन को दोस्तों। तो चलिए अंकल से हम जानने की कोशिश करेंगे इनको कैसी लगी हिंदी ट्रेलर वाल्टेर इवरैया। तो चलिए अशोक अंकल से जानेंगे। तो पहली बात है, इन लोग के नाम इतने हार्ड होते ना, जैसे इनके ओरिजिनल नाम भी होते ना वैसे उनका फिल्मों के नाम भी वैसे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं नाम। और जैसा चिरंजीवी का है तो मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है, मेगा स्टार है, और ऐसा लगता नहीं कि वही उम्र है करके। उसका बेटा भी हीरो है, उनकी भी ब्लॉकबस्टर फिल्में होती है। इन्हें बाप बेटे में लगता है भाई भाई का सर सेम ऐसी है, जैसा उसमें एनर्जी है वैसे इसमें भी एनर्जी है। और अभी उनके गॉडफादर भी हमने देखी थी, सलमान के साथ में आई थी, अच्छी फिल्म थी वो भी। और अभी ये रवि तेजा की भी फिल्म धमाका चल रही है, फिर बाद में इनके साथ में दोनों जब स्टार बड़े आते हैं तो क्या बोलते हैं, धमाका क्या कौन सा धमाका होगा पता नहीं है। और ऑडियंस के ऊपर है कैसा उसको रॉकेट की तरह उड़ाना या फुस कर देना, सबसे बड़ी बात तो ऑडियंस है। और ऑडियंस के ऊपर अगर इतने लोग अगर 2-4 फिल्में एक साथ में डाल देंगे, थोप देंगे पब्लिक के ऊपर, तो पब्लिक कुछ कन्फ्यूज हो जाएगी किसकी फिल्म देखे, वो भी साउथ की 3-4 फिल्म। साउथ की फिल्में तो साउथ वाली सभी देखेंगे, लेकिन हिंदी ऑडियंस है वो भी कन्फ्यूज हो गई भाई कौन से स्टार की हम फिल्म देखें। हालांकि स्टार की सभी जो आने वाली फिल्म है तो सभी की अच्छी अच्छी फिल्म है, सभी बड़े बड़े स्टार हैं। और हम तो क्या कह लेंगे कि भाई इन लोग हिंदी में भी रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें खुशी हो रही है। और लेकिन इतने बड़े बड़े बम के तरह से धमाके आ रहे हैं ना, तो हम भी परेशान हैं कि कौन सी फिल्म देखें कौन सी नहीं देखें। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर कैसा लगा आपको, एक्शन सीक्वेंसेस? नहीं, एक्शन के मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक्शन बारे तो चिरंजीवी का तो एक्शन तो पहले से बहुत ज़बरदस्त होता है। और रवि तेजा वो तेजा भी ऐसे भी वो भी एक्शन में मस्त है, जैसे रॉडी राठौर उसके जो पहले उसकी फिल्म थी बाद में उनको मास्क महाराजा का था। तो उनके बाद में इसने बनाया था अक्षय कुमार ने बनाया था, तो उसकी वो भी फिल्म मैंने देखा था। हाँ, रॉडी राठौर जो उनकी वहाँ की फिल्म थी साउथ की फिल्म, तो उसकी एक्टिंग और उसका एक अलग ही स्टाइल है। वो बोलते हैं हर एक्टर का स्टाइल एक अलग होता है साउथ में, वो स्टाइल दूसरा कॉपी नहीं करता है, और कॉपी करे तो मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि हमको अगर वो रवि तेजा को देखना है तो रवि तेजा है या ओरिजिनल अंदर वाला चाहिए, वो दूसरे की एक्टिंग करेगा तो हमको मज़ा नहीं आएगा। चलिए, इसमें चिरंजीवी सर रोमांस कर रहे हैं सुरसी हसन के साथ, क्या लगता है आपको? क्या देखो, यहाँ पर भी बड़े बड़े एक्टर हैं, शाहरुख है, सलमान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, और बड़े बड़े स्टार हैं। बड़े बड़े स्टार लोग के साथ में छोटी लड़कियां भी रोमांस करते देखेंगे तो हमें कोई ये नहीं। अभी तो जो पठान के जैसे शाहरुख खान के जैसे दीपिका, मतलब ऐसे उनका हमें वो उनकी जो केमिस्ट्री होती है ना उसको देखना ज़रूरी होता है। बड़ा स्टार और ये छोटा लड़की या उम्र वाला ये हमें नहीं देखना चाहिए, हम कलाकारों को देखना चाहिए वो लोग किस तरह कला पेश करते हैं, हमको वही देखना चाहिए। और इसके हमारे कुछ बातों से पब्लिक कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं हम क्या सुन रहे करके। चले एंड में अगर इस ट्रेलर को रेट करना तो कितना करोगे? 4.5 दे दूंगा। 4.5, जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद।